अगर आप लोग भी भाई 20,000 के अंदर पोको X6 5G लेने का सोच रहे हो फ्यूचर में, तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर आप लोग को दो ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोग को फ्यूचर में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग गेमिंग के लिए इस वाले फोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो। एंड क्योंकि वाला फोन पोको की तरफ से आता है, तो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है लोगों के दिमाग में कि इसका मदरबोर्ड डैड तो नहीं होगा भाई फ्यूचर में। सो उसका भी आंसर आप लोग को वीडियो की एंडिंग तक के मिल ही जाएगा, इसलिए वीडियो में भाई लास्ट तक के बने रहना ताकि आप लोग के इस वाले फोन से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आप लोग को इस वाले फोन को 20,000 के अंदर परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इस वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग इस वाले फोन के स्पेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ भी बढ़ेंगे। सो इस वाले फोन के अंदर आप लोग को एक नया प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 आप लोग को इस वाले फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। 2.4 GHz पे वाला प्रोसेसर क्लॉक्ड है एंड 6.2 लाख के आसपास की आप लोग को एंतु स्कोर्स निकाल के दे देता है। एंड जैसा कि इस वाले प्रोसेसर के स्पेक्स बता रहे हैं, ये वाला प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है एंड पोको X6 5G के अंदर भी प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले इस वाले फोन की, तो इस टाइम पे तो ये वाला फोन BGMI के अंदर 60 FPS ही सपोर्ट करता है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में इसमें 90 FPS अनलॉक हो जाए, क्योंकि ये वाला प्रोसेसर 90 FPS चलाने के आराम से कैपेबल है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग 90 FPS अनलॉक कर दें, बाकी अभी भी फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ परफॉर्म करता है। अगर आप लोग इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हो तो भी अच्छे से हैंडल कर लेता है फोन उसे। एंड गेम प्ले आप लोग को एकदम स्टेबल 60 FPS का ही देखने को मिलता है, कभी कभी फोन फ्लक्चुएट करता है कुछ केसेस के अंदर, एंड वो केसेस कौन से वो भी मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। बाकी फोन का जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप लोग को कोई भी डिले वगैरह जायरोस्कोप में देखने को नहीं मिलता है। देन अब अगर हम लोग इसके अदर स्पेक्स के बारे में बात कर ले, तो इस वाले फोन के अंदर आप लोग को एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का 120Hz वाला, 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप आप लोग को इस वाले फोन में बैक में देखने को मिलेगा एंड 16MP का फ्रंट कैमरा भी इस वाले फोन में देखने को मिल जाएगा आप लोग को। 5100mAh की बैटरी दे रखी है एंड 67W का एक बड़ा फास्ट चार्जर आप लोग को इस वाले फोन में देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल भी देखा जाए तो फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अच्छी स्पेक्स के साथ फोन आता है, अच्छा प्रोसेसर दे रखा है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो भाई प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, उनके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इस वाले फोन की सबसे ज्यादा मेजर एंड पहली प्रॉब्लम जो कि मुझे लगती है वो रहती है भाई, इस वाले फोन में हीटिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि देखो भाई आधे से ज्यादा लोग जो इस वाले फोन को परचेस करने वाले वो सभी गेमिंग के लिए ही करेंगे इस वाले फोन को परचेस। एंड ये चीज मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक ऐसा फोन जिसमें एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर दे रखा है, वो एक अच्छी खासी ग्राफिक सेटिंग्स में आप लोग के गेम को चला सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं दिया होता है तो वो फोन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है हीटिंग की वजह से। क्योंकि उस केस में जब भी आप लोग अपने गेम को खेलो तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ओवरहीट करता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग को फोन हीट होने के बाद लैग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं एंड इवन कुछ केसेस के अंदर आप लोग का फोन जो है वो बार बार क्रैश भी करता है। एंड यही सेम चीज मैं पिछले 2 सालों से अपने रियलमी 9SE के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस फोन का टेम्परेचर लिटरली बिना किसी फैन के या बिना किसी हीटिंग कंट्रोल के 43 डिग्री से नीचे उतरता ही नहीं है, अगर मैं इवन एक क्लासिक गेम भी खेल लूँ तो भी। एंड सेम चीज भाई अगर आप लोग पोको X6 परचेस करते हैं तो उसमें भी आप लोग को फेस करने को पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी कोई कूलिंग के लिए सिस्टम नहीं दे रखा है। बाकी देखो इस वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन भी है कि आप लोग अपनी हीटिंग को कंट्रोल में रखो। अब इसके लिए आप लोग भाई एक दो चीजें तो खुद से भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग 1,000 रुपए और मिला के एक फोन का कूलर परचेस कर सकते हो, जो कि आप लोग के फोन के पीछे अटैच होगा एंड आप लोग के फोन को ठंडा रखेगा। एंड ट्रस्ट में भाई फोन कूलर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मेरा फोन जहाँ पे 43-44 डिग्री उसका एवरेज टेम्परेचर रहता है, फोन कूलर को यूज करने के बाद फोन का टेम्परेचर लिटरली 30 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। तो अगर तो आप लोग एक फोन कूलर इस वाले फोन के साथ परचेस कर लेते हो तो आप लोग को भाई कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग डेफिनेटली इस वाले फोन को परचेस कर सकते हो, क्योंकि हीटिंग कंट्रोल करने का जुगाड़ तो आप लोगों ने कर ही लिया है। एंड अगर आप लोग को फोन कूलर्स के बारे में डिटेल में जाना है तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जहां पे मैंने एक फोन कूलर की अनबॉक्सिंग करी थी एंड उसे यूज करके दिखाया था। सो उसे देख लेना, आप लोग को एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि फोन कूलर्स वर्क कैसे करते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं इस वाले फोन से रिलेटेड सेकंड मेजर प्रॉब्लम की। एंड इस वाले फोन की सेकंड प्रॉब्लम है इस वाले फोन का प्राइस। अब देखो मुझे इस वाले फोन के प्राइस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम प्राइस पॉइंट में आप लोग को एक और बहुत ही ज्यादा अच्छा डिवाइस देखने को मिल जाता है, जो कि इन्फिनिक्स का GT10 Pro, जो कि इस वाले फोन के अंदर आने वाली सभी कमियों को पूरा कर देता है, प्लस इससे कई गुना अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग को निकाल के देता है। 90 FPS भी वाला फोन सपोर्ट करता है BGMI के अंदर, कूलिंग सिस्टम भी आप लोग को इस वाले फोन में देखने को मिल जाता है, वाइब्रेशन मोटर्स भी देखने को मिलती है एंड एक कंप्लीट गेमिंग फोन निकल के आता है वाला फोन। प्लस उस वाले फोन का डिजाइन भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा यूनिक देखने को मिलता है एंड हर मामले में वाला फोन हमारे पोको X6 5G से कई गुना बेटर है। इसीलिए भाई अगर आप लोग इन्फिनिक्स GT10 Pro के अवेलेबल होने का वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग उस वाले फोन के लिए रुके रहो। वाला फोन भी सेल वगैरह में आप लोग को जो 20-21 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाता है एंड वाला फोन इस वाले फोन से कई गुना बेटर है, एंड इसीलिए आप लोग को इस वाले फोन को छोड़ के उस वाले फोन के साथ जाना चाहिए। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते भाई
इस वाले फोन के मदरबोर्ड इश्यूज के बारे में। सो पोको X3 प्रो के बाद से भाई हर एक पोको फोन के साथ यही सीन रहता है कि क्या उसमें मदरबोर्ड इश्यूज देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो देखो भाई, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों से एक पोको का फोन यूज कर रहा हूं, पोको M6 प्रो, जिसका नाम है 10,000 रुपीज में मैंने इस वाले फोन को ऑनलाइन परचेज किया था एंड अभी तक के मुझे इस वाले फोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। एंड अगर आप लोग अभी थोड़ी रिसर्च करना भी चाहो लेटेस्ट पोको फोन्स के बारे में कि उनमें मदरबोर्ड डेट के इश्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो वीडियोस तो आप लोग को ढेर सारी देखने को मिलती है लेकिन आधे से ज्यादा वीडियोस क्लिकबेट रहती है। एंड जो वीडियोस आप लोग को थोड़ी रियल भी लगती है तो उनमें भी ऐसे माइनर से थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं एंड एग्जैक्ट मदरबोर्ड डेट का इशू आप लोग को किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। बाकी देखो भाई, हर फोन की सीरीज के अंदर एक दो डिफेक्टिव मॉडल्स तो निकलते ही है जिनमें आप लोग को कोई ना कोई मेजर इशू देखने को मिलता है, लेकिन हर फोन के साथ वाली चीज नहीं होती है। एंड एक लॉजिकल पॉइंट भी है भाई कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि इतने सालों से फोन्स वगैरह बेच रही है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके फोन में दोबारा से कोई बड़ी मिस्टेक निकले एंड उसके वजह से उनकी जो है फोन्स वगैरह ना बिके या फिर कंपनी की इमेज खराब हो। तो अगर आप लोग मदरबोर्ड इशू की वजह से इस वाले फोन को अभी तक के नहीं लेने का सोच रहे थे तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले फोन को परचेस कर सकते हो। आप लोग को कोई भी मदरबोर्ड इशू देखने को नहीं मिल रहा है इस वाले फोन के अंदर। बाकी फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोग इस वाले फोन की हीटिंग वगैरह को कंट्रोल में रख लेते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले फोन को किसी भी टाइम पे परचेस कर सकते हो, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोग 20,000 के अंदर इन्फिनिक्स GT10 प्रो को परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि उस वाले फोन के बाद यही वाला फोन निकल के आता है जो कि आप लोग को 20,000 के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो बस यही था आज के वीडियो में। होप आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो एंड अगर थोड़ी सी अच्छी लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों चीजें डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी मैं मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।